अयोध्या में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है। किसानों ने बताया कि जो सरकार ने 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था वो नहीं मिल रही है, केवल 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। उसमें भी वोल्टेज कम और बिजली के कट परेशान कर रहे हैं। किसानों ने सरकार से बिजली को 8 घंटे देने की गुहार लगाई है। जैसे ही जून का महीना शुरू होता है वैसे ही किसान धान की रोपाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। सरकार द्वारा 15 जून से धान की रोपाई करने के आदेश हैं। जैसे ही 15 जून आई वैसे ही किसानों ने धान की रोपाई करनी शुरू कर दी है। हालांकि पिछले साल जल्दी बारिश होने के चलते किसानों ने धान की रोपाई जल्दी कर दी थी, लेकिन अब की बार लंबे समय तक चली हीट वेव के कारण किसानों की धान की रोपाई में देरी हो रही है और जिन किसानों ने पानी देकर धान की रोपाई शुरू कर दी है उनको भी फसल के सूखने का डर सता रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार ने 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था लेकिन बिजली केवल 6 घंटे ही आ रही है, उसमें भी कट कट कर आती है। वहीं उन्होंने कहा कि वोल्टेज भी बहुत कम आ रहा है जिसकी वजह से धान की रोपाई में काफी परेशानी आ रही है। जो धान की फसल लगा चुके हैं इसके भी सूखने का डर है। पानी की कमी के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अब की बार बारिश लेट है और अगर अब भी बारिश हो जाती है तो धान की रोपाई समय पर हो जाएगी, अगर 15 दिन और लेट हो गई तो फिर लेट ही लेट है। वहीं उन्होंने कहा कि अब की बार धान की रोपाई में लेबर ज्यादा पड़ रही है। जो जीरी लगाई है जी आप देख सकते हैं 4000 रुपए किला लुवाई करी जी, इसकी दुआई दुई सब गेट दी, इसमें दोबारा बाने की नौबत आ रही इसकी जी। अगर 10 दिन बरसात ना हुई ये दोबारा लगानी पड़ेगी जी। तो लाइट कम आ रही है जी बहुत, एक बरसात का चक्कर पड़ रहा है जी, मतलब 2-3 कारण यह हो रहे हैं जी। हैं जो लेबर लगा चुकी है वो लेबर कह रही है वहाँ हमारा हिसाब करो हमें जाने दो, हैं अब क्या करें, जो पैसे अब आए हैं इनका तो हिसाब किताब करेंगे, इनका तो कोई गलती नहीं है, तो ये समस्या जी पूरा क्या करेंगे जी, बस डबल खर्चा पड़ जाएगा हमारे पर। लाइट 8 घंटे जो सरकार का देने का प्रोग्राम है वो 6 घंटे में ही काम हो रहा है, उसमें ट्रिपिंग बहुत है इसलिए प्रॉब्लम है। काम की कमी तो पूरी हो ही नहीं रही है, सूखे में झीरी लगा रहे हैं, देखो इससे सारे खेत सूखे पड़े हैं, अब इसमें कबाड़ हो जाएगा, फिर इसका 4000 रुपये कबाड़ पड़ाई का देंगे हम, दवाई काम नहीं कर रही बिना पानी से, तो ये है सबसे बड़ा कारण तो जी, भगवान के भरोसे है जी, बारिश आएगी तो काम ठीक होगा। वहीं बिहार से काम की तलाश में आई लेबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोजी रोटी कमाने हम यहां आते हैं और अभी तक बारिश नहीं हुई और ट्यूबवेल से पानी देकर जो धान की रोपाई की जा रही है उससे हमारी दिहाड़ी नहीं निकलती, अगर बारिश हो जाए तो हम 13 मेंबर है और एक दिन में 5 एकड़ में धान की रोपाई कर सकते हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण अब हम 2 एकड़ में ही धान की रोपाई कर सकते हैं जिससे हमारी दिहाड़ी नहीं निकलती। उन्होंने कहा कि अगर बारिश हो जाती है तो फिर हमारा खर्चा निकल जाएगा और हम पैसों की बचत भी कर पाएंगे। और मैं हर साल यानी एक साल पे आता हूँ तो भी पौध मतलब खेत में काम करता हूँ, ठीक है, और जितने मजदूर होते हैं 4000 के किले देते हैं और काम करते हैं, साथ में मिलके रहते हैं और क्या। और किसान लोग मतलब अभी पानी उनी की बहुत मतलब समस्या चल रहा है, जैसे कि मौसम भी थोड़ा गर्मी है, लाइट भी मतलब 2 दिन पे या 1 दिन पे बीच करके आता है। एक दिन में कितना मतलब देंगे, मतलब जितने देंगे, जैसे कि 4 किले देंगे तो 4 किले तो हो जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है, 4 किला नहीं मिलता है, तो 1 किले मिलते हैं हमेशा, ठीक है, तो बस कर देते हैं उतनी ही कर देते हैं। कितने लोग लगाते हैं मतलब अभी 13-14 हैं बंदे, तो 4 किले होता तो एक साथ कर देते, लेकिन एक ही किला गाड़ी तो नहीं पर बनता है ना अभी। फिलहाल किसानों की फसल बारिश के भरोसे है और किसानों ने सरकार से बिजली को 8 घंटे देने की गुहार लगाई। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।